शर्मा और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त मैं भूतनाथ चौक पे खड़ी हूँ और जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया, यूँ कहे तो पूरे विश्व में इसको लेकर लोग चिंतित हैं, लोग भय में हैं। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील कर दी है लोगों से रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने की, यानी कि घरों में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना वायरस को लेकर लोग लगातार भय में है, चिंतित हैं कि आखिर वो कहीं कोरोना वायरस के चपेट में ना जाए। इसको लेकर तमाम पार्टियां सड़क पर उतर रही है और अपने तरफ से लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जा रहा है। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की तरफ से पटना की सड़कों पर लगातार एक सप्ताह से उतरकर लोगों को साबुन और मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से लोग जो है वो मास्क और साबुन लेकर जा रहे हैं और जितने गरीब लोग हैं जो सैनिटाइजर हो, मास्क हो या साबुन जिनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें लगातार ये पार्टियां उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। और देखिए आप किस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को एक एक करके मास्क और साबुन वितरित किया जा रहा है। ये कब से किया जा रहा है पप्पू यादव के द्वारा? पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा है। इनके जैसा नेता कहीं इस ये में नहीं मिलेगा। यहाँ सरकार बैठे पे बैठे कर रही है, बोल रही है सरकार बहुत कदम उठाएगी अपने तरफ से और बोल रही है कि हम अपने तरफ से जो भी होगा हम आदमी के लिए करेंगे। लेकिन पप्पू यादव तरफ जन अधिकार पार्टी की तरफ से अपने चाहते हैं कि वो सारा, अगर किसी कोरोना वायरस होता है तो वो डरे नहीं, वो जन अधिकार पार्टी उसकी सारी खर्च उठाएगी, उसको कोई टेंशन नहीं है। बस पिछले एक सप्ताह से पप्पू यादव के द्वारा साबुन और मास्क को लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कितना भय है लोगों के अंदर? देखिए लोगों में काफ़ी भय है। जिस प्रकार से सैनिटाइजर्स मार्केट में ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, 100 रुपया 200 का सैनिटाइजर 400-500 में दिया जा रहा है, कोई साबुन की, कोई लोगों की सुरक्षा नहीं है। उसी को लेकर के जन अधिकार पार्टी देखिए लगातार हम लोगों की सुरक्षा कैसे हो, इसको लेकर के हम लोग सड़कों पे हैं और लोगों के सेवा में लगे हैं। और प्रधानमंत्री जी करते हैं घर रहो थाली पीटो, उससे नहीं होगा। लोगों की क्या दिक्कतें हैं आप देखिए, कितने लोग हैं सुरक्षित। इनको लेकर के जन अधिकार पार्टी हैं, जो मुखिया हैं और तमाम जो नेता हैं हमारे, उन सभी लोग सड़क पे हैं और लोगों की सुरक्षा को लेकर के सैनिटाइजर्स या मास्क इस समय फ्री होनी चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन उस पर कोई चिंता नहीं है। तो इसी को लेकर के सब नेता अपने अपने चुनाव में मस्त हैं। लेकिन हमारा जिस पप्पू यादव जी के देखे हमेशा, चाहे बाढ़ हो चाहे जिस प्रकार से हो रही, हमेशा यहाँ पे इन्होंने आने का प्रयास किया है। लोगों के बीच यह समस्याओं को, सुरक्षा को लेकर के भी हम लोग पार्टी के तरफ से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके लोगों की सुरक्षा हो सके, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद हो सके। तो साफ तौर पे उनके कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि लोगों को अभी सुरक्षित होने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी हैं। सर, जिस तरह से आप लोगों तक साबुन और सैनिटाइजर और मास्क पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है अभी लोगों के लिए और कितना ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना? भैया प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया, एक दिन दे दो, जनता कर्फ्यू लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जनता के हित में यदि कुछ करना पड़े तो कोई, लेकिन जनता के हित में करोगे ना, कि उसको सिर्फ डराओगे, जिम्मेदारी से भागोगे। आप कहते हैं अस्पताल फ्री है सबके लिए, यहाँ पूरे राज्य में 10 अस्पताल फ्री है, आपने नहीं कहा। 66% लोग जो डेली कमाते हैं भूखे सोते हैं, सोएंगे, तो आपने नहीं कहा कि अनाज और उसकी खाने की व्यवस्था फाइनल है। जो काम कर रहा है कोरोना वायरस में, जब उसको कोरोना वायरस होगा और मरेगा, तो आपने नहीं कहा कि उसके परिवार को कितना घोषणा करेंगे। आपने नहीं कहा कि हम जब वोट लेने आते हैं और जब हम घरे घर जाते हैं, तो आपने नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी आप नहीं बोले कि मैं घरे घर जाऊंगा, मैं एक एक जगह सैनिटाइजर साबुन डिटोल बांटूंगा। काहे? MLA MP मंत्री वार्ड काउंसलर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, घर में बैठ जाने की जिम्मेदारी है। गरीबों को के लिए कोरोना वायरस नहीं है, सिर्फ इन लोगों को मरने का डर है। जब मरना तय है तो मरने का डर क्यों? ये आज जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप डराते हैं, आप अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। जिसके लिए थाली पिटवा रहे हैं उसके लिए घोषणा तक नहीं किए। अन्य देश करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है और आप हमारे भाग पर छोड़ दिए। और आप कह रहे हैं कि तुम डरो, हमने तुमको बताया था, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। तो पप्पू यादव अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा किसी भी कीमत पर। ये मेरे लिए भगवान है, मेरे घर के लोग हैं और इसको मैं चुनौती में लिया हूँ। 7 दिनों तक घर घर तक हम सैनिटाइजर डिटोल साबुन और मास्क पहुंचाएंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बिहार सरकार की जो तैयारियां हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिहार में न अस्पताल में कोई एक सैनिटाइजर है, आदमी पर आदमी है, पूरा प्राइवेट अस्पताल भरा हुआ है। आप कब ये सब चीज़ करोगे? सिर्फ डराने का काम नीतीश कुमार करते हैं। घर में बैठ के बात भी किसी से नहीं करता, मिलता भी नहीं है, ना विपक्ष मिलता, ना सत्ता पक्ष, ना कोई MLA, ना कोई, पूरा बंद हो गया। तो क्या चुनौती, जो मिलेगा नहीं पब्लिक से वो क्या चुनौती मिलेगा, क्या बात करते? क्या लगता है जिस तरह से PM मोदी ने जनता से अपील की है, कहीं ना कहीं बेसिक मुद्दे से हटाने की कोशिश की जा रही है, पैदा किए हैं, मुद्दों से भटकाए हैं। यदि उन, मेरा सीधा सवाल है मेरा, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो लिए हैं तो अस्पताल कहाँ बताएं, सैनिटाइजर और सब कुछ फ्री रहेंगे वो बताएं, अनाज देंगे बताएं, गरीबों को खिलाएंगे बताएं, फुटपाथ वाले को खिलाएंगे बताएं। सिर्फ डराएं नहीं, देश साथ खड़ा होगा जब वो जिम्मेदारी लेंगे। पप्पू यादव जी का जनता से क्या अपील है? कोई अपील नहीं, बस अपनी थोड़ी सी जीने के तरीके को बदल दीजिए, पानी पीजिए, खांसी जिसको होगा तो उससे परहेज कीजिए कुछ लोगों से। पप्पू यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि खुद की सुरक्षा आपके हाथ में है। जनता को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, जिस तरह से अफवाहों को फैलाया जा रहा है, उससे बचिए और अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए RAD Network। नमस्कार।